रामलला के मंदिर की सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे उपकरण लगाए हैं। रोड के ऊपर हम लोगों ने जैसे अंडर व्हीकल स्कैनर लगाया हुआ है, जैसे ही रोड के ऊपर से व्हीकल निकलेगी जन्मभूमि पथ के ऊपर से, तो उसके नीचे का पूरा स्कैन हो जाएगा और जो कंप्यूटर है उसको दिखाई दे जाएगा, वो अपने हिसाब से उसको चेक कर लेगा, अगर कोई उसमें ऑब्जेक्शनेबल चीज़ होगी तो तुरंत व्हीकल रोक लिया जाएगा। हम लोग बूम बैरियर लगा रहे हैं, बूम बैरियर के बाद हम लोग इसमें लगाएंगे बोलार्ड, और बोलार्ड के आगे टायर किलर का भी प्रोविज़न किया गया है ताकि कोई आकस्मिक घटना होने पर अगर कोई बूम बैरियर को हिट करता है तो हमारे बोलार्ड अपने आप ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के अंदर अप हो जाएंगे और टायर किलर भी अप हो जाएगा, तो वो व्हीकल आगे जाने नहीं पाएगा, सुरक्षाकर्मी उसको वहीं पर रोक लेंगे। इस प्रकार के उपकरण हम लोगों ने राम मंदिर के जितने प्रवेश द्वार हैं सभी के ऊपर लगाने का प्रावधान किया हुआ है। ये सारा कार्य हम लोगों का साइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जैसे जैसे हम लोग को साइट मिलती जा रही है हम पूरा करते जा रहे हैं। अभी हमने जन्मभूमि पथ के ऊपर ये उपकरण लगा लिए हैं, इसके अलावा राम गुलेला की तरफ से जो रोड आती है उसके ऊपर भी लगा लिए हैं हम लोगों ने। इसके अतिरिक्त CCTV का प्रावधान है, CCTV हम लोगों ने चारों तरफ से सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं, और इनका कमांड कंट्रोल सेंटर आज की तारीख में जैसे येलो जोन में एक कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, रेड जोन में एक अलग कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, जिसमें पूरी अयोध्या के CCTV कैमरों की फीड जाती है। वो सारी फीड हर समय 5 पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं जो उसको देखते रहते हैं। ये सारी हमारे पास में रिकॉर्ड होती है और हम लोग को 90 दिन की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कर रखी है उसमें, जिसमें कि 90 दिन तक पिछला कोई भी हमारे पास फीड अगर चाहिए होगा तो वो हम निकाल करके दे सकते हैं। इसी प्रकार अभी जो सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं हम लोगों के, वो जो है अभी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजिट होने वाली है उसके क्रम में रामपथ के ऊपर भी CCTV का पूरा प्रावधान किया गया है।